कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, न ही मरीजों की मौत से फैलती दहशत। लेकिन हिंदुस्तान में हालात अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले में न सिर्फ संभले हुए हैं बल्कि सुधर भी रहे हैं। भारत में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। अब 6.2 दिन में मरीजों की तादाद दोगुनी हो रही है। 13.06% मरीज ठीक होकर घर जा रहे हैं, जबकि करीब 80% संक्रमित अस्पताल में स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में मौत की संख्या भी कम होकर 23 हो गई है। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि देश में लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की सप्लाई सही तरीके से चल रही है और पूरे भारत में लॉकडाउन पार्ट 2 का लोग पालन कर रहे हैं। रही बात कोरोना संदिग्धों की जांच की, तो ICMR ने बताया कि इसमें तेजी आई है। टेस्टिंग का आंकड़ा भी अब 3.25 लाख के करीब जा पहुँचा है। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए, उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें हुए थे। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 13,000 के पार हो चुकी है, लेकिन राज्यों के लिए 5 लाख से ज्यादा रैपिड टेस्ट किट भी बढ़ाई जा रही है। जानकारी ये भी दी गई है कि अब 30 मिनट में ही COVID-19 टेस्ट के नतीजे मिलने लगेंगे। वहीं कोरोना से निपटने के लिए देश में 1999 कोविड अस्पताल बनाए जा चुके हैं। इनमें से 1,73,000 आइसोलेशन बेड, 21,800 ICU बेड हैं। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पूरी तरीके से ये एफर्ट की जा रही है। अहमदाबाद में भी एक कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को सिर्फ 5 दिनों में ही कोविड के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। सरकार और जनता मिलकर इस महामारी से जंग लड़ रही है। अगर इस लड़ाई में अनुशासन और ईमानदारी बरकरार रही तो जीत भी हिंदुस्तान की तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।